मुरादाबाद में धर्म रक्षा संघ द्वारा भव्य बैठक का हुआ आयोजन। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित क्लासिक बैंक्वेट हॉल में धर्म रक्षा संघ जिला मुरादाबाद कार्यकारिणी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप अग्रवाल द्वारा किया गया। बैठक में विशेष रूप से संगठन के विस्तार और सनातन धर्म की रक्षा पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के संस्थापक के अलावा भारी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता की भागीदारी रही। कार्यक्रम में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि धर्म की रक्षा संघ सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा और कार्य करने वालों का संगठन है। उसके बाद संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जगदीश गुप्ता ने कहा कि संगठन में ही शक्ति होती है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए सभी सनातनियों को संगठित होने की आवश्यकता है। वहीं संघ के प्रदेश मंत्री प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि आज के कार्यक्रम में घोषणा की जा रही है, जिला मुरादाबाद से सनातन धर्म रक्षा संकल्प यज्ञ बहुत ही शीघ्र आयोजित किया जाएगा। इस यज्ञ में आहुति देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संत शिरोमणि उपस्थित होंगे और यह यज्ञ सनातन धर्म की रक्षा हेतु शंकरनाथ के रूप में मुरादाबाद से शुरू होकर सभी जिलों व संपूर्ण देश में किया जाएगा। धर्म रक्षा संघ के द्वारा जिस तरह से अपनी संगठन का विस्तार किया जा रहा है, उसी श्रृंखला में आज हमने चंदौसी और बदायूं और फिर मुरादाबाद, इन तीन शहरों को चुना था। तो इसके बाद फिर हम रामपुर जाएंगे और रामपुर में जाकर अंतिम सभा होगी। तो इसके विस्तार के क्रम में धर्म किसी को ना तो हानि पहुंचाता है और ना किसी का पक्षधर होता है। धर्म एक समता का संदेश देता है, मानवता का संदेश देता है और उसी का नाम धर्म रक्षा है। व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार चले, जो मानवीय धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और मानवीय दृष्टिकोण को यदि कोई हानि पहुँचाता है, उसकी रक्षा के लिए धर्म रक्षा संघ की स्थापना की गई है और उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम आज यहाँ मुरादाबाद आए हुए। दीपक वार्ष ने अच्छा सर, लेकिन बारे में थोड़ा बताइए, ये धर्म रक्षा संघ के तरफ से ये प्रेस वार्ता थी। इसमें वृंदावन से हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय सौरभ गौड़ जी और अन्य संतों के साथ में आए हुए हैं, जिन्होंने जी धर्म की रक्षा हो इस उद्देश्य से इसका इस संगठन का मुरादाबाद में विस्तार किया गया है आज। और बस धर्म की रक्षा ही एक उद्देश्य है। कितने लोगों को जोड़ा गया है? देखिए, अभी मुरादाबाद में तो माननीय उपाध्यक्ष जी की नियुक्ति हो गई है, प्रदेश महामंत्री जी प्रदीप अग्रवाल जी हैं यहाँ पे और मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। और उसके बाद में अब आज के बाद में टीम को जोड़ने का चालू किया जाएगा और ऐसा उम्मीद है कि हम एक महीने के अंदर यहाँ का पूरा टीम जो है तैयार हो जाएगी। क्या संदेश लगाएंगे इसमें? बस धर्म की रक्षा हो, सिर्फ यही उद्देश्य है और कुछ विशेष नहीं। धन्यवाद। क्या नाम? मैं प्रदीप अग्रवाल, धर्म रक्षा संघ में प्रदेश महामंत्री की हैसियत से सेवा कर रहा हूं। आज की प्रेस वार्ता किस संबंध में? आज की प्रेस वार्ता का मेन जो विषय है, धर्म रक्षा संघ सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है और उसी के लोगों को इस संस्था के बारे में बताने के लिए आज हमने ये बैठक भी रखी है। और दूसरा, हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो कृष्ण भूमि का विवाद चल रहा है मथुरा का, उसका भी केस हमारी संस्था ने दायर करा है और हम वो केस लड़ रहे हैं। और उसके अलावा मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ मुरादाबाद से, धर्म रक्षा संघ सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक धर्म रक्षा संकल्प यज्ञ बहुत जल्दी मुरादाबाद से शुरू करेगा, जिसमें देश के विख्यात संत शिरोमणि उपस्थित होंगे, उसमें आहुति देंगे और ये यज्ञ की श्रृंखला मुरादाबाद से शुरू होकर पूरे प्रदेश में होती हुई पूरे देश में सब जगह यज्ञ का कार्यक्रम किया जाएगा, सभी जगह जागृति फैलाई जाएगी। और अगर ईश्वर ने हमारा साथ दिया तो इस श्रृंखला का हम समापन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हजारों संतों के साथ करेंगे। और हमारा पर्पस बस यही है कि हमारे सनातन धर्म का सभी जगह प्रचार हो और हम सनातन धर्म की संस्कृति को अपने जीवन शैली में अपनाएं और हमारे साथ कोई भी हमारे धर्म के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, इसी के लिए ये संस्था काम कर रही है। समाज के लोगों के संदेश देने चाहिए जी? समाज के लोगों को संदेश क्या देना चाहिए? समाज के लोगों को संदेश केवल यही देना है कि सभी लोग भाईचारे से रहें, धर्म कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देश जो है सभी धर्मों को अपनाता है और किसी भी धर्म से बैर नहीं रखता है। तो मेरा यही संदेश है कि चाहे ईद हो या दिवाली हो, सारे हम त्यौहार अपने भाईचारे के साथ हम लोग करें और कोई भी मतभेद आपस में ना रखें, मिलजुल कर रहें। धन्यवाद।
सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप मथुरा। आप सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एंसर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।